फिर एनवेन कैन कुक आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ क्रीमी पास्ता सैलेड जिसमें मैंने यूज किया है स्पाइरल पास्ता फ्रेश सैलेड और थोड़ा सा हंकर थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी मेयोनीज इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टू मेक सैलेड एंड एवरीवन इज गोइंग टू गो क्रेजी फॉर योर रेसिपी ट्रस्ट मी सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर और उसके बाद सैलेड को चॉप कर लेंगे सिर्फ ब्रोकली और गाजर को हम बॉईल करेंगे एक मिनट के लिए उसे उबालना है उसके बाद उसे ड्रेन करना है और उसे चिल्ड आइस वाटर में डालकर फिर से ड्रेन कर देना है ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे उसका कलर ना जाए और वो बिल्कुल भी मुशी ना हो करेंगे हम हमारे सैलेड ड्रेसिंग की तैयारी जार में डालेंगे मेयोनीज हंकर्ड थोड़ी सी क्रीम फॉलोड बाय सॉल्ट ज्यादा नहीं क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है क्रश्ड ब्लैक पेपर गार्लिक हर्ब सैलेड ड्रेसिंग सीजनिंग ओरिगेनो और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे मिंट चटनी जस्ट 1 टेबलस्पून ज्यादा नहीं डालेंगे एज वी डोंट वॉन्ट टू ईट चटनी सैलेड अब एक सेपरेट बॉल में ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता ब्लांच ब्रोकली गाजर ऐड करेंगे बेल पेपर कुकुम्बर चॉप्ड लेटस डाइज एप्पल ऑलिव्स अनार और साथ ही डालेंगे हमारी क्रीमी डिलीशियस योगर्ट ड्रेसिंग यम Mix it well. And we are done. So fresh and colorful. Yummy. इसे सर्विंग डिश में ट्रांसफर करके फ्रिज में चिल करने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 1 to 2 hours. और चिल्ड होने के बाद ही इसे सर्व करेंगे सो डिलीशियस बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी है जबकि इसमें मैंने हंग कट डाला है क्रीम बहुत ज्यादा नहीं डाली है मेयोनीज मैंने टाइट वाली यूज करी है तो ये आपकी चॉइस है कि आप कोई भी मेयोनीज यूज कर सकते हैं बट इसमें हंग कट जरूर डालिएगा और इसे बनाइएगा जरूर और इसकी पिक्स मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजिए डेली रूटीन कुकिंग और बिहाइंड द सीन देखने के लिए मुझे स्नैपचैट पे ऐड करिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग